Welcome everybody. Welcome to the subject system analysis and design. So system analysis and design. First thing is, what is the need of this subject? कि क्यों जरूरत? हम इस subject को पढ़ें क्यों? पहला तो question यही आता है. So the name of subject is system analysis and design. तो पहला question आता है कि ये मैं subject क्यों पढूं? क्या जरूरत है? जैसे आप लोगों ने पहले C कोई programming language पढ़ रखी है, fundamentals of computer you have already studied that subject. तो हर subject का एक purpose होता है कि मैं वो subject क्यों पढूं? और कुछ उसके goals होते हैं जो आपको last में achieve होने चाहिए after studying the subject. तो हम अपनी discussion बिल्कुल यहीं से start करेंगे कि हम system analysis और design क्यों पढ़ें. Now system analysis and design is a very very important subject from a software development point of view, from software implementation point of view, system maintenance point of view, to understand the user, to understand the system. क्योंकि देखिए, जो software है, हम software बनाते ही क्यों हैं? Basically, software is used to solve a particular problem. So in the modern era, in the commercial world, हमारे पास different types के businesses हैं. उन businesses की दो तीन चीजें होती हैं. सबसे important होता है उसके जो हैं employees हैं, जो उस organization में काम करते हैं, users हैं या उनके क्लाइंट्स हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सिस्टम होता है. तो अब कंपनी है, उसके एम्प्लॉइज हैं, उसका सिस्टम है, उसके यूजर्स हैं. तो हो सकता है कि इन द जैसे अब इन मॉडर्न एरा द रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग, द मार्केट इज चेंजिंग. पहले जो बिजनेस का ढंग था वो कुछ और था, अब बिजनेस का ढंग कुछ और है. तो हर कंपनी में उसके सिस्टम में ऑटोमेशन के स्कोप रहते हैं, किसी चीज को ऑटोमेट करना. तो अगर किसी चीज को वो ऑटोमेट करना चाहते हैं, उनको उसके लिए स्पेशलाइज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी की कोई जरूरत आई, अगर कुछ उन्होंने कुछ ऑटोमेट करना हुआ, तो व्हाट दे विल डू, they will look for a company and will develop a software to automate their process. To isi tarah se ab maan lijiye company hai, let's say Dwaba College. To ab dekhiye environment bahut change ho chuka hai, scenario bahut hi change ho chuka hai. Aaj kal requirement hai aaj ke time ki ki online admission ho, online studies ho. तो ये सारी चीजें कन्वेंशनली या पहले से कॉलेज में नहीं थी. अब ये कॉलेज की रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स चाहिए जिसको यूज करके हम ऑनलाइन एडमिशन कर सकें, हम ऑनलाइन क्लासेस लगा सकें, सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें ऑनलाइन, ये सारी चीजें. तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड आ गई. लेकिन अब जो वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, उसके लिए उनके पास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होंगी. उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या सिस्टम है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉई हैं, कितनी तरह के एम्प्लॉई हैं, और कितने तरह के यूजर्स हैं जो उस सिस्टम को एक्सेस करते हैं. तो ये जो आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, इस सब्जेक्ट में हम उन सारी चीजों को कवर करेंगे जो एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, जो प्रोसीजर हमें फॉलो करने चाहिए. तो इसीलिए सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करना है, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इन दिस सब्जेक्ट, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन.
इसीलिए ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल आप जब आप बाहर जाओगे, जॉब में जाओगे, तो जैसे आप जॉब में जाओगे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सपोज करो आप बैंक में जाते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जाते हो, तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, तो वहां पे आपको आपका आपकी कंपनी का एक सिस्टम होगा, अलग तरह के इम्प्लॉयज होंगे, आपके यूजर्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते ही आपको उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर उस सिस्टम के रूल्स के हिसाब से, अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, अपने क्लाइंट्स के हिसाब से आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करोगे। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे जो एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रोसीजर सिस्टम को डेवलप करने के लिए फॉलो करने चाहिए। जैसे सपोज करो आपने अब द्वापर कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना, ऑनलाइन एडमिशन, तो आप एक कंपनी में काम करते हो, सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो अब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जी कि द्वापर कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपने ऑनलाइन एडमिशन का मॉड्यूल बनाना है। तो उस ऑनलाइन मॉड्यूल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन को, उसके रूल्स को समझना पड़ेगा, उसके उसके एम्प्लॉयज को, उसके यूजर्स कितनी तरह के हैं, कैसी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आप कैसे उनको डेवलप करोगे, कौन से प्रोसीजर फॉलो करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे मेंटेन करोगे, तो ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें कैसे करते हैं और ये चीजें कौन कौन सी होती हैं, उसके लिए जो सब्जेक्ट है वो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, तो उसको उसके मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे फॉलो करना चाहिए, वो सारा हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी जो स्टार्टिंग है वो करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सिस्टम क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो दिस विल बी आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। नाउ सिस्टम इज अ ग्रीक वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड सिस्टम। अब ये सिस्टम का मतलब क्या होता है? इट मींस एन ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग फंक्शनल यूनिट्स और कंपोनेंट्स। ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें आपने स्पेशल सेट ऑफ मतलब स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड है। सो ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग द फंक्शनल यूनिट्स और कंपोनेंट्स। किसी ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप मींस कोई एक चीज है, आई मीन डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप है, तो इस सारी चीज को हम बोलते हैं सिस्टम। मान लीजिए दिस इज द कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 3, और ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं या जो फंक्शनल यूनिट हैं, ये तीनों में एक ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप है। इनके रिलेशनशिप को और इनके मींस इन कंपोनेंट्स को और इनके बीच के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। आप जैसे फॉर एग्जांपल, आपके लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी होगा इसलिए मैं वही एग्जांपल यूज करूंगा, जैसे द एग्जांपल ऑफ कॉलेज। अब कॉलेज, लेट्स अज्यूम कॉलेज इज अ सिस्टम। तो एक्चुअली ये कॉलेज सिस्टम क्या, तो मैं इसे ब्रॉड रूप में कह देता हूँ कि दिस इज माय सिस्टम, दिस इज माय कॉलेज। तो अब कॉलेज में कौन कौन से फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं? एडमिन ऑफिस, सारा जो नॉन टीचिंग का काम है, टीचिंग डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं, और आप ये मानते हो ना इन चारों में एक ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप है। जैसे दिस इज एडमिन ऑफिस, सपोज दिस इज
टीचिंग स्टाफ, दिस इज, दिस कॉम्पोनेंट इज स्टूडेंट, और दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड है विद एडमिन ऑफिस, विद टीचर ऑल्सो एंड विद स्टूडेंट ऑल्सो. स्टूडेंट कनेक्टेड है टीचर्स के साथ भी, एडमिन ऑफिस के साथ भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी, या इसको हम लाइब्रेरी बोल देते हैं. तो ये सारे जो हैं, दीज आर द डिफरेंट फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द द्वाबा कॉलेज. तो अब सिस्टम क्या हो गया, रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स. जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं या जो डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स हैं, उनके बीच के ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिस्टम. जैसे द्वाबा कॉलेज, द्वाबा कॉलेज इज अ सिस्टम. अब उसके कंपोनेंट कौन से हैं, स्टूडेंट, टीचर्स, लाइब्रेरी, नॉन टीचिंग स्टाफ, और इन सभी कंपोनेंट्स के बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप है. अब मींस इन सभी कंपोनेंट्स और उनके बीच के ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिस्टम. जैसे आप बहुत जनरली बात कर देते हो, हर किसी के घर का एक सिस्टम होता है. तो सिस्टम का मतलब है कि उस घर के अलग अलग फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं. मान लीजिए पापा जो हैं वो जॉब करते हैं, मम्मा इज अ हाउस, मम्मा हाउस मेकर हैं, आप बच्चे स्टूडेंट्स हो. तो इसी तरह से ये सारे अलग अलग फंक्शनल कंपोनेंट्स हो गए और उनके बीच का ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप हो गया, इसको हम बोलते हैं सिस्टम. जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, फंक्शनल यूनिट्स मींस वो सारे कंपोनेंट्स जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो जैसे कॉलेज की एग्जांपल में एडमिन ऑफिस, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जॉब्स हैं. टीचर्स की अलग अलग जॉब्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. स्टूडेंट्स की अलग हैं, लाइब्रेरी की अलग हैं. तो इन सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो इनके फंक्शंस हैं, वो सभी अलग अलग हैं, लेकिन सभी के बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप है. सो दिस इज कॉल्ड सिस्टम, द रिलेशनशिप अमंग द फंक्शनल यूनिट्स और कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड सिस्टम. तो एक बार इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. बिल्कुल वही चीज रहेगी, लेकिन आप थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से वर्ड्स में चेंज हो जाएगा. तो लेकिन जो कहने का मतलब है, दैट विल बी द सेम. द ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग द फंक्शनल कंपोनेंट्स, फंक्शनल यूनिट्स और कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सिस्टम. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एंड interdependent elements that operate collectively to accomplish the common purpose of or goal is called system. तो जैसा मैंने आपको पहले से बताया, तो अब क्या होगा, आपके पास अलग अलग functional components होंगे. तो मान लीजिए these are the different functional components. मैं इनको mark कर देता हूं as 1, 2, 3, 4 and 5. ये सभी जो फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स हैं, इनके अपने अलग अलग फंक्शंस होंगे और ये फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे और एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे. रिलेटेड भी होंगे और डिपेंड भी करेंगे, और ये सभी मिलके काम करेंगे टू अचीव अ कॉमन गोल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So different components will be interrelated, interdependent and operate collectively to accomplish a common purpose or goal. So alag alag functional components wo interrelated or independent. Interrelated matlab wo ek dusre ke sath related honge aur ek dusre pe depend karenge. Ab wo depend hi karte hain, jaise student hai, humne pichli example kari thi ek college system ki. तो जो स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं टीचर्स पे, टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स जो है नॉन टीचिंग पे डिपेंड करते हैं, टीचर नॉन टीचिंग पे डिपेंड करते हैं, नॉन टीचर टीचर्स पे डिपेंड करते हैं. तो ये जितने फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स हैं, लेकिन सभी के फंक्शन अलग अलग हैं, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन उन सभी का गोल एक ही है. अब पूरे सिस्टम का, पूरे कॉलेज का गोल एक ही है,
वो गोल क्या है? टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन। तो गोल सभी का सेम ही है, चाहे कोई भी हो। हाँ, उनकी जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं, लेकिन कोलेक्टिवली वो सभी मिलके एक ही गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दैट गोल इज एजुकेशन। सो इसी तरह से आप यू कैन ऑल्सो द कंसिडर ऑफ द कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डिफरेंट उसके जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, उन सभी को सेम जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो आपस में कनेक्ट करती हैं। ब्लड फ्लो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाता है, हर कंपोनेंट का अपना एक काम है, लेकिन सभी मिलके इन सभी का मिलके एक कलेक्टिव गोल है। वो गोल क्या है? कॉमन। तो हमारी डेफिनेशन में तीन चीजें आई हैं इंपॉर्टेंटली, ऑर्डरली अरेंज मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटरलेटेड इंटरडिपेंडेंट एंड कॉमन गोल। तो ये तीन चीजें हैं, तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है, इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट एंड कॉमन गोल। सो इट मींस अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट दैट ऑपरेट कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश सम कॉमन पर्पस और गोल। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टम। तो आई होप आपको मतलब क्लियर हो गया सिस्टम का, क्योंकि हम हर बार बहुत ये वर्ड यूज करते हैं जी, वहां का सिस्टम कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम कैसा है, कनाडा का सिस्टम कैसा है, एक्सेंचर कंपनी का सिस्टम कैसा है, टीसीएस का सिस्टम कैसा है। हर घर आदमी के घर का अपना सिस्टम होता है, अपना एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम मीन्स सिस्टम एक्चुअली ये होता क्या है? तो सिस्टम होता है ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग द फंक्शनल यूनिट्स और कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड सिस्टम। फंक्शनल यूनिट्स होती हैं अलग अलग, वो इंटरलेटेड होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, और उनका जो पर्पस होता है वो कॉमन होता है, टू अचीव अ कॉमन गोल। तो ये अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। सो देयर आर मेनली नाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपोनेंट, इंटरलेटेड कंपोनेंट्स, बाउंड्री, पर्पस, एनवायरनमेंट, इंटरफेस, कंस्ट्रेंट, इनपुट एंड आउटपुट। सो दीज आर द नाइन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या हैं। कंपोनेंट क्या होता है, इंटरलेटेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बाउंड्री किसी सिस्टम की क्या होती है, सिस्टम के पर्पस से हमारा क्या मतलब है, सिस्टम के एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, इंटरफेस क्या होता है सिस्टम का, सिस्टम की क्या क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं, क्या उसके कंस्ट्रेंट होते हैं, कैसी इनपुट होती है और कैसी आउटपुट। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉम्पोनेंट। सो कॉम्पोनेंट इज बेसिकली अ पार्ट, एन इंटेग्रल पार्ट और एग्रीगेशन ऑफ द पार्ट, मतलब वो सारी चीजें, वो सारे कंपोनेंट्स, वो एक कंपोनेंट या मल्टीपल कंपोनेंट्स जो मिलके सिस्टम बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपोनेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिस्टम इज मेड अप ऑफ मल्टीपल, या सिस्टम इज बेसिकली मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। तो जिस जिस चीज से मिलके बना हुआ है आपका सिस्टम उसको बोलते हैं कंपोनेंट, जिससे बना है। आई मीन जैसे कॉलेज की हमने एग्जांपल ली थी, कॉलेज तो अब किस किस चीज से बना हुआ है कॉलेज? कॉलेज बनता है जी स्टूडेंट से, नॉन टीचिंग स्टाफ से, टीचर से, लाइब्रेरी से। तो ये सारे क्या हो गए? स्टूडेंट अब एक कंपोनेंट है, नॉन टीचिंग दूसरा कंपोनेंट है, तो ये सारे टीचर्स कंपोनेंट है, लाइब्रेरी कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट इज अ बेसिकली पार्ट जिससे आपका सिस्टम बनता है, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। सेकंड इज इंटरलेटेड कंपोनेंट्स। इंटरलेटेड कंपोनेंट्स मींस
जो डिपेंडेंसी होती है अमंग द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। अब ये हो गया, तो ये मान लेते हैं कि इसको मैंने मान लिया दिस इज सिस्टम। तो सिस्टम में क्या होते हैं? कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बट इसको आप सिस्टम ऐसे नहीं बोल सकते। इन कॉम्पोनेंट्स में रिलेशनशिप होता है, डिपेंडेंसी होती है। तो जिससे बना है सिस्टम उसको कॉम्पोनेंट बोलते हैं, जो उनकी डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के साथ उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ। जिस चीज से बना है उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट, और उनके बीच में जो रिलेशन होता है कॉम्पोनेंट्स के उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स। एंड द थर्ड वन इज बाउंड्री। बाउंड्री मीन्स इस सिस्टम के अंदर और बाहर को डिफ्रेंशिएट करना, कि मेरे सिस्टम के अंदर कौन सी चीजें हैं और सिस्टम के बाहर कौन सी चीजें हैं। दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। जैसे हमने एग्जाम्पल करी थी कॉलेज, कॉलेज के अंदर का सिस्टम, अब बाहर बाउंड्री है कॉलेज की, कॉलेज के अंदर हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जैसे ही एक आदमी बाहर घूम रहा है, अगर वो हमारे कॉलेज का पार्ट नहीं है तो वो हमारा, वो चाहे पढ़ता भी हो बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉलेज, आर कॉलेज। तो इसी तरह से बाउंड्री होती है द लाइन दैट ड्रॉज या दैट डिफरेंशिएट्स द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ऑफ अ सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं और बाहर वाली चीजें कौन सी हैं। द फोर्थ इज पर्पस। पर्पस मीन्स गोल, कि एक्चुअली आप इस सिस्टम से अचीव क्या करना चाहते हो, ये सिस्टम करेगा क्या। जैसे एक जनरेटर, जनरेटर एक सिस्टम है, जैसे आपका टेलीविजन एक सिस्टम है, या हम अपनी एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर एक सिस्टम है। अब कंप्यूटर सिस्टम मींस इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कौन कौन से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, ठीक है जी, मेमोरी है, ठीक है। तो ये सारे आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। और लेकिन ये इनपुट आउटपुट हैं जो दे आर रिलेटेड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो ये इनमें जो रिलेशनशिप है इसको इंटर रिलेटेड। अब सिस्टम आपका सिस्टम कैबिनेट के अंदर है, उसमें सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, साथ में है एक मॉनिटर। सो दिस इज योर सिस्टम, जो इसके अंदर है और बाहर है। बाउंड्री डिफरेंशिएट करेगी कि सिस्टम के अंदर और बाहर क्या है, सिस्टम का पर्पस क्या है। आप मतलब जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग इंटरनल टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम। मतलब अब जो भी एक्सटर्नल है सिस्टम में, मतलब जैसे कंप्यूटर के केस में हो गया यूजर, तो यूजर इंटरेक्ट करेगा इस सिस्टम के साथ। कोई भी बाहर वाली चीज, जैसे पेरेंट्स इन एग्जांपल ऑफ कॉलेज, तो वो इन्वायरमेंट है, द एक्सटर्नल पार्ट दैट इंटरेक्ट्स विद योर सिस्टम। जैसे बैंक, बैंक के इंटरनल अपना सिस्टम होता है, लेकिन उसके जो जो उसके अपना उनका मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, क्लर्क है, उसका अकाउंटेंट है, वो आपका उनका इंटरनल। लेकिन उसका जो बाहर वाले लोग उसके साथ यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब कोई और कंपनी है वो नेफ्ट करवा रही है, कोई पैसा जमा करवा रहा है, कोई बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है आपकी एक बैंक से, सो दैट इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज द इंटरफेस। इंटरफेस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब एक एनवायरनमेंट हो गया एक्सटर्नल चीज, ये हो गया आपका सिस्टम मान लीजिए, और ये हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। उस एनवायरनमेंट को सिस्टम के इंटरेक्ट करने के लिए जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक हो गया जी। द पॉइंट नो बाई यूजिंग विच द एनवायरमेंट इंटरेक्ट विद योर सिस्टम इज कॉल्ड इंटरफेस। द सेवेंथ इज कॉन्स्ट्रेंट।
कंस्ट्रेंट मींस द लिमिटेशन, आपके सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है, क्या ये नहीं कर सकता, या क्या चीज ये अच्छे से कर सकता है क्या नहीं कर सकता. द नेक्स्ट इज इनपुट, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसमें एंटर कर रहा है, जो उसकी क्वेरीज हैं, जो उसका उसके साथ वो उसके साथ आई मीन उसका जो पर्पस है वो, दैट इज कॉल्ड द इनपुट. एंड द आउटपुट, आउटपुट क्या है, जो सिस्टम प्रोसेस करके वापस एनवायरनमेंट को देगा, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम. तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन क्यों पढ़े, सिस्टम क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन.